हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड का एक कमांड जिसका नाम है बास्ट। तो कमांड सीखने से पहले हम देखेंगे बास्ट कमांड हम लोगों को कब ज़रूरत होता है, कब इसको यूज़ करना जरूरी हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कुछ ब्लॉक इंसर्ट करके रखे हैं। तो इसका अगर आपका प्रॉपर्टीज दिखाऊँ तो ये आपका एक ब्लॉक रेफरेंस होता है। तो ये ब्लॉक में आपका देखिए एक टेक्स वैल्यू है। तो एक टेक्स वैल्यू अगर आप यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो एज इट इज़ ए ब्लॉक है, तो आप टेक्स को यहाँ से अलग नहीं कर सकते। तो अब ऑटोकैड में ब्लॉक को एक्सप्लोर करने के लिए ऑलरेडी एक कमांड है जिसका नाम है एक्सप्लोर। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोर कमांड देते हैं और यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ब्लॉक को एक्सप्लोर कर दिया है, मतलब बेसिकली ये तोड़ दिया है ब्लॉक को। और यहाँ पे ब्लॉक का जो ऑब्जेक्ट है आप इसको अलग से रिमूव कर सकते हैं और टेक्स्ट जो है ये आपका टेक्स्ट में एज ए कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो ये एज ए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है और आपका जो रेक्टेंगल है और वो भी एक आपका पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। उसका मतलब एक्सप्लोर कमांड यूज़ करके आप कोई भी ब्लॉक को आप तोड़ सकते हैं। मगर मेरे यहाँ पे और एक टाइप का ब्लॉक है जिसको एक्टिव्यूट ब्लॉक बोला जाता है। हम आने वाले वीडियो में दिखाएंगे कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं और एक्टिव्यूट ब्लॉक कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो एक ही टाइप का ब्लॉक है तो इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं तो ये भी आपको एक बोलेगा एक ब्लॉक रेफरेंस है। और इस पर्टिकुलर ब्लॉक में अगर हम एक्सप्लोर कमांड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्लॉक को तो एक्सप्लोर कर देगा मगर ये टेक्स फिर वैल्यू इसका नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर एक्सप्लोर कमांड यूज़ करता हूँ तो एक्सप्लोर और यहाँ पे जितना ब्लॉक है मैं इसको सिलेक्ट करूँ और एंटर दूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक तो एक्सप्लोर हो गया मगर टेक्स का जो वैल्यू है वो वैल्यू मेरा ओमिट हो गया है। और यहाँ पे एक्टिव्यूट ब्लॉक जिस फॉर्म में बना था उस फॉर्म का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो भले ही ये मेरा एक्सप्लोर हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स का वैल्यू जो है टेक्स का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू यहाँ से गायब हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर इस टाइप का ब्लॉक आपके पास है ड्राइंग में तो इसको आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एक्सप्लोर करेंगे तो उसका वैल्यू आपका रिमूव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप अनदर ऑटोकैड का कमांड है अगर एक्सप्लोर करना है वो भी आपका एक्टिव्यूट ब्लॉक में तो वहाँ का कमांड अनदर कमांड है जिसका नाम है बास्ट। तो बास्ट का कमांड है BUREST बास्ट। तो बास्ट कमांड देके आप वही ब्लॉक को अगर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एंटर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि ये भी ब्लॉक को एक्सप्लोर कर दिया है मगर ये टेक्स वैल्यू मेरा होल्ड करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स में कन्वर्ट हो गया है जो यहाँ पे आपका वैल्यू जो था वो आपका रिमूव हो गया था। एक एट्रीब्यूट ब्लॉक का एट्रीब्यूट टाइप ब्लॉक का डेफिनेशन दिखा रहा है। तो बास्ट कमेंट आप यूज़ कर सकते हैं आपके पास अगर ऑटोकैड का एट्रीब्यूट ब्लॉक आपके ड्राइंग में अवेलेबल है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आए और आने वाले वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए मेरा नया वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिलने के लिए।